नमस्कार प्रिय साथियों, मेरा नाम है गंगाराम और आप देख रहे हैं ज्योतिष और समाधान। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ नेचुरल श्रीलंका का एक नीलम वेरीफाई ऑफ कोरोंडम, नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, IGI GTL लैब सर्टिफाइड। प्रिय साथियों, यह नीलम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह 11 रत्ती का नीलम है। इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा और साथ ही साथ में नीलम रत्न किन राशि एवं लगन वाले जातकों का राजयोग बनाता है, किन्हें बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, नीलम रत्न किस धातु में पहना जाता है, इसकी धारण करने की विधि, लाभ और पहचान के बारे में बात करूंगा। लेकिन इससे पहले मैं बात को आगे बढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं ज्योतिष के द्वारा अपनी समस्त प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए अच्छी श्रेणी के राशि रत्न खरीदने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। तो चलिए साथियों, विषय में आगे बढ़ते हैं। नीलम रत्न मेष, चूँकि मेष राशि से शनि कर्म स्थान के और इनकम के स्वामी होते हैं, आपकी इनकम बढ़ाएगा और कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। वृषभ, सबसे ज़्यादा योग कारक नीलम वृषभ वालों के लिए होता है, क्योंकि आपके 9वें और 10वें घर के स्वामी शनि होते हैं। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होने से वृषभ वालों का तत्काल राजयोग बनाता है। मिथुन, मिथुन लगन से भगवान शनि अष्टम और नवम भाव के स्वामी होते हैं, भाग्येश होने से आपके लिए राजयोग कारक है। कन्या तुला, मकर और कुंभ राशि एवं लगन वाले जातकों को धारण करना चाहिए। मकर एवं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह रत्न विशेष लाभ प्रदान करता है। प्रिय साथियों, नीलम रत्न सोना, चांदी, अष्ट धातु और पंच धातु की अंगूठी में धारण किया जा सकता है। यह नीलम जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसकी कीमत 20,000 रुपये पर कैरेट है। कलर नेचुरल है, नो ट्रीटमेंट स्टोन है, ट्रांसपेरेंसी बहुत गजब की है और बहुत ही शानदार यह रत्न है। इससे सस्ते या इससे महंगे रत्नों की खरीदारी के लिए आप सीधे सीधे मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। प्रिय साथियों, नीलम रत्न शनिवार के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से लेकर के 1 घंटे बाद तक शनि की होरा में धारण किया जाता है। रत्न को पंचामृत में डालकर सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और रत्न धारण करने के उपरांत व्यक्ति को उड़द चावल की खिचड़ी बनाकर कुत्तों को खिलानी चाहिए या तेल के पराठे बनाकर कुत्तों को खिलाने चाहिए। चूँकि शनि भगवान न्याय के देवता हैं, इसीलिए नीलम रत्न धारण करने वाले व्यक्ति को झूठ, छल कपट, मक्कारी जैसे कार्यों से बचना चाहिए। शांत और सरल जीवन जीकर ही समाज को आगे बढ़ाना चाहिए। नीलम रत्न तभी लाभ करता है जब व्यक्ति झूठ, छल कपट और मक्कारी से पूरी तरह से किनारा कर लेता है। साथियों, मैं भविष्य में भी कुछ अच्छे रत्नों के साथ आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। वास्तु विजिट के लिए, वैदिक कर्मकांड के लिए भी आप मुझे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।